सांसद गुरजीत औजला दे दफ्तर विच लुट दा दोषी परिवार सामने आया, जिन्हां दा कहना है कि निजी रंजिश तहत झूठा परचा दर्ज किया गया। सांसद गुरजीत औजला दे दफ्तर विच लुट दा दोषी परिवार हुण सामने आया, जिन्हां दा कहना है कि निजी रंजिश तहत झूठा परचा दर्ज किया गया। औजला दे पी अते गनमैन ने निजी दुश्मनी कढ़ी है, पीड़ित परिवार दा कहना है। उन्हें कहा कि जे झूठा परचा रद्द ना होया तो औजला दे दफ्तर दे बाहर खुदकुशी करांगे। तुरन फिरन तो असमर्थ 70 साल जोगिंदर सिंह अते उसके पुत्र से यह मामला दर्ज होया है। परिवार ने इल्जाम लगाया है कि यह रंजिश चलदिया उन्होंने झूठा मामला दर्ज होया, पिता पुत्र से दर्ज होया जिहड़ा मामला है, पिस्तौल की नोक से लुट करन दा यह मामला है। सांसद औजला के पीए ने कुटमार मेरी की थी, जो जोगिंदर सिंह ने इस मौके से मीडिया ना गल करदिया बयान दिता। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुटमार की शिकायत की थी तो साढ़े ते ही झूठा परचा दर्ज करता गया। 26 तारीख नूं बस एक मिनट दस दे फट चुका। हां जी गुरजीत औजले का भरा वा सुख जी, बड़ी बुरी तरह इन्होंने डांगड़े इन्होंने मारिया जी, उल्टा साढ़े चोरी का परचा कराता, परचेस करके कराया जी, चौंकी को गए उन्होंने खिलाफ कंप्लेट कर, साढ़े एडा गंदा इंजाम लाता जी, साड़ी इन्नी बड़ी बेइज्जती हो गई जी, साडी इज्जत मेहनत नहीं खाने जी, मोटरसाइकिल पेड़ का मेरा काम है, तो साढ़े एडा चोरी का एडा गंदा इल्जाम लाता जी, साढ़े नजायज बिल्कुल की जी, जो सानू इंसाफ ना मिले जी अं सारा परिवार जहर खा के मरांगे जी। उदा जिम्मेवार गुरजीत औजला होगा, सानू इन्ना परेशान कर दिता उन्हें, अज दस दिन हो गए धक्के खाने कचहरियों, कभी केको कभी केको, कैमरे उन्होंने चेक किए जाने जी, सारा कुछ सामने आ जाएगा सुख ने मारिया जी, एमपी दे भरा ने बहुत ज्यादा मारिया जी, जदों फिर चुके ते मैनूं खड़िया इन्हां ने चौंकी लोकां ने, ते चौंकी जाके मैं जी मैं उत्थे डिग पिया आ, ते डिगा जदों ते लोकी रौला पाउंदा पिया, ते फिर पुलिस ने जी डांट कट्टी आ, उदों बाद इन्हां रंजिश दे नाल ही फिर परचा करा भी उत्थे क्यों गया जी, मेरियां लड़कियां मेरे बच्चे सारे आंदे ही आम हत्या कर लैणियां, कुछ खा के मर जाणा, उहदा जिम्मेवार गुरजीत औजला एम पी होवेगा जी।